प्रयागराज में चमत्कारी बाबा बरदानी बाबा ने सेक्टर नंबर 15 से चलकर प्रयाग संगम तक पैदल आए एवं प्रयागराज के बारे में सभी श्रद्धालुओं को भावपूर्वक बताए से ग्रामीणों में काफी खुशी की लहर रहा। बरदानी बाबा काफी दूर दूर तक प्रसिद्ध है। इस सृष्टि का सर्जन हुआ तब से ही ऐसे ही चलता आ रहा है। साधु संतों ना कुंभ में आना, साधु संतों ना दिन की दिनचर्या, ये सब एक महत्वपूर्ण विषय है। कुंभ क्या है? देवताओं और दैत्यों ना जो झगड़ा अमृत के लिए हुआ, समुद्र मंथन से जो अमृत कलश निकल के आया उसमें से जो बूंद पड़ी वो चार जगह पड़ी है। सबसे पहला कुंभ जो है, जो अमृत की बूंद थी वो प्रयाग के अंदर, यहाँ प्रयाग में कुंभ मनाया जाता है। और मकर संक्रांति के अवसर पर जब नक्षत्र कुंभ राशि में प्रवेश करता है तब कुंभ का आयोजन किया जाता है। और इसके अंदर जो अमृत बेला होती है उसमें सभी साधु संतों का स्नान ध्यान क्रिया की जाती है। इस तरीके से चार कुंभ पड़ते हैं, पहला कुंभ प्रयाग में, दूसरा कुंभ हरिद्वार में, तीसरा कुंभ नासिक में, चौथा कुंभ उज्जैन में। इस तरीके से चार कुंभ है, चारों कुंभ का बहुत महत्व है। धर्म संस्कृति, अपनी जो संस्कृति है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये दिनचर्या साधुओं की, जो नागा साधु है, जो सन्यासी साधु है, सन्यास लेने के बाद धर्म की चर्चा, धर्म कल्याण, देश विकास, देश का कल्याण और समाज के कल्याण में कंटिन्यू यानी के हमेशा सदा के लिए तत्पर रहता है। अभी साधु जीवन में क्या करते हैं, जब उनके संस्कार होते हैं, गुरु जो अपने हैं जिनके चरणों में रह के साधनाएं करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं और दिन भर उनको परमात्मा के भजन में, समाज के कल्याण में और देश के कल्याण में अपना सारा जीवन वो लगा देते हैं। कुंभ एक पवित्र, पवित्र में पवित्र, सबसे पवित्र एक अपना कुंभ का आयोजन जो है। कुंभ जो देवताओं के द्वारा, असुरों के द्वारा समुद्र मंथन करके जो अमृत प्राप्त किया उसी में से निकला हुआ एक एक बूंद अमृत की जो मृत्युलोक में जहाँ जहाँ भी पड़ी वहाँ वहाँ कुंभ पड़ता है। पहली बूंद हरिद्वार में, दूसरी बूंद प्रयाग में, तीसरी बूंद उज्जैनी में, चौथी बूंद नासिक में। जो जहाँ चार बूंदें पड़ी थी चाह वहाँ कुंभ पड़ते हैं, यही महत्व है। महाराज जी आपका नाम और अखाड़ा? मेरा नाम आदित्य गिरी जी, गुरु श्री 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 1008 महामंडलेश्वर श्री राजेंद्र गिरी जी महाराज, पंचदश नाम निरंजनी अखाड़ा। मुनियों ने मथन किया है शरीर में, वो सबसे बड़ा कारण होता है जो मनुष्य को उलझा कर मोह को अति त्याग करेंगे। गृहस्थ में रहकर भी संसार में रह के संसार से परे रहना, परे रहते हैं तभी जाकर ईश्वर के और संन्यास होता है सर्वनाश। जितने काम क्रोध मद लोभ सबका त्याग होता है ऊपरी से, अंदर से नहीं। अंदर से मोह नहीं होता, अंदर से मोह नहीं रहेगा तभी त्याग होता है। अंदर में मोह रखोगे तो त्याग नहीं होगा। मोह के वश में फंस के पूरी माया जाल में संसार फंसा हुआ, इस मोह को अति त्याग कर दे, संसार में रह के और संसार से परे हो जाए तो भक्ति अमर हो जाती है। हर बार राम की नीतियों पे चलता, राम को बोलते मर्यादा परसोत्तम राम। राम ने स्वयं अपने ऊपर किया के पिता पुत्र का क्या संबंध है, पत्नी पति का क्या संबंध। प्रयागराज से संवाददाता उमेश चंद्र सोनी की रिपोर्ट, समाचार इंडिया न्यूज़, प्रयागराज।